spare that tree. Touch not a single. Whatever's the matter? Sir, I want you to have a look at this. Sir, I think we know the height of peak 15. It's 29,002 feet. 29,000 feet? That's taller than Kanchenjunga. By Jove, that's the tallest mountain in the world. Yes, sir, the tallest. So shall we call it Mount Sikta? No, sir. I think we should rather name it Mount Everest. मसूरी और देहरादून में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जितना वक्त बिताया उन्होंने बहुत ही सारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ की और 1833 से 1843 तक का जो समय है उसको सर्वेइंग की भाषा में एवरेस्ट दशक ही कहा जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि देहरादून और मसूरी का सबसे मशहूर व्यक्ति कौन है जो यहाँ रहा और उसने विश्व में प्रसिद्धि पाई, तो मैं सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम लूँगा, क्योंकि आज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उनके नाम पर रखी गई है। सर जॉर्ज एवरेस्ट इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, जो कि सन 1800 में शुरू हुआ, उसको पूरा किया, जिससे कि हमें अपनी धरती के शेप के बारे में पता चला और हमें ये पता चला कि जो हिमालय की सबसे ऊंची-ऊंची चोटियां हैं उनके ऊंचाई क्या है। हालांकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उनके समय में नहीं नापी गई, तब वो विदेश में थे, लेकिन फिर भी इस चोटी का उनके नाम पे रखा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस समय हम बैठे हुए हैं उन्हीं के मकान में, जिसे पार्क एस्टेट या हाथीपांव हाउस भी कहा जाता है। और ये जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे पूरा करने की जो उपलब्धि थी वो यहीं पे पूरी हुई, इसीलिए इस स्थान का इतना अधिक वैज्ञानिक महत्व है।1829 में जब जॉर्ज एवरेस्ट को भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया, तब तक द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे पूरे भारत को कवर करता हुआ उत्तर भारत तक आ गया था, देहरादून मसूरी तक आ गया था, और इसलिए ये निर्णय लिया गया कि देहरादून में ही इसका मुख्यालय होना चाहिए। तो जब देहरादून में इसका मुख्यालय बनाया गया तो जॉर्ज एवरेस्ट को ये पक्का यकीन हुआ कि यही जगह उनके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ से गंगा और यमुना घाटी का विहंगम दृश्य दिखता था। साथ ही गढ़वाल की जितनी भी चोटियां हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां, वो भी यहां से बिल्कुल ही साफ दिखाई देती थी। तो उन्होंने सोचा कि दून घाटी में जो आर्केडिया ग्रांट की ज़मीन है, वहां से वो अपना बेसलाइन बनाते हुए अगर सेक्सटेंट हिमालय की पहाड़ियों तक बनाएंगे तो सारी हिमालय की पहाड़ियों की ऊँचाई वो नाप सकेंगे। उस समय तक यही माना जाता था कि पूरे विश्व में पहले तो एंडीज़ और उसके बाद कंचनजंगा की पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है, और हिमालय की चोटियों के बारे में उतना ज्ञान लोगों को नहीं था। तो जब इन चोटियों को जॉर्ज एवरेस्ट नापने लगे और इनका कैलकुलेशन करने लगे, तो धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि वाकई हिमालय विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है।
भारत का भी पूरा पूरा नक्शा, जिसे आज हम भारत के नक्शे के रूप में जानते हैं, वो यहीं आके तैयार हुआ। इसीलिए इस स्थान का वैज्ञानिक महत्व इतना अधिक है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एवरेस्ट ब्रिटिश थे, लेकिन वो वेल्श थे, वो वेल्स से थे और बहुत ही कड़क इंसान थे। यहाँ पे अपने घर के पास उन्होंने एक और घर बनवाया जिसका नाम बैचलर्स हॉल था। तो बैचलर्स हॉल में उनके चार असिस्टेंट रहा करते थे जो हमेशा उनसे डरते रहते थे, उन्होंने कभी एवरेस्ट को हंसते हुए नहीं देखा। तो एवरेस्ट की दिनचर्या भी पूरी सर्वेइंग के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। वो सुबह उठ जाते और सर्वे के लिए निकल जाते और अपने नाप लेते रहते, अपने कैलकुलेशंस करते रहते और पूरी रात अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठ के उन्हीं इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते। उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे और ये इक्वेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। तो जॉर्ज एवरेस्ट मुझे लगता है कि सर्वेइंग के साथ ही उनका विवाह हुआ हुआ था और वो उसको अपनी मोस्ट डार्लिंग प्रोफेशन कहा करते थे। स्टार्स को देखते थे और अपनी कैलकुलेशंस को और अच्छी तरह से करने की कोशिश करते थे। जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पे आए, उन्होंने अपना मकान इन वादियों में बनाया और आसपास के लोगों से बहुत घुल मिल गए थे। उन्होंने यहाँ एक विशिंग वेल भी बनवाया। विशिंग वेल यूँ तो हम समझते हैं कि लोग मानते हैं कि ये आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वेल है, लेकिन इसका इतिहास ये है कि उन्होंने जनरल विशिंग से ये वेल खरीदा था, इसलिए इसका नाम विशिंग वेल है। सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा प्रयोग की गई थियोडोलाइट, उनका टेलीस्कोप, कॉम्पेंसेशन बार्स, ये सभी चीज़ें सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून के म्यूजियम में संभाल के रखी गई हैं। यहाँ पर बुग्याल हैं, बहुत ही सुंदर देवदार के पेड़ हैं और बांज यानी हिमालयन ओक के बहुत सारे वृक्ष देखे जा सकते हैं। तो यहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है, यहाँ की चिड़ियाँ हैं, यहाँ के कीड़े हैं, बहुत ही अनोखे हैं और मुझे लगता है कि इस पूरी साइट के मिस्टीक को बढ़ाती हैं, इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। द ग्रेट आर्क सर्वे मेरे हिसाब से भारत में हुई सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। इसको कई दशक लगे, कई लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया। हमारी मिट्टी पे हुई इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि को अगर हम संजो के ना रख पाए, अगर हम इस विरासत को बचा के ना रख पाए, इसे साफ सुथरा ना रख पाए, तो इसका निशान हमारी धरती से लुप्त हो जाएगा।